हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पी लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? तो मैं तैयार हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए, लेकिन दोस्तों जाते जाते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना जाते जाते पायलट के ऊपर एक प्रैंक किया जाए। तो आज के प्रैंक वीडियो में कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा मजेदार हो। वो प्रैंक वीडियो क्या वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो बताने के पहले दोस्तों एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाकर उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, क्योंकि उससे आने वाली हमारी सारी मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहेंगी। तो सीन कुछ ऐसा है यार कि मैंने सोचा मैं पारुल को सरप्राइज करता हूँ ये बता के कि यार मैं जा रहा हूँ एक ऑफिस टूर पे बैंकॉक, क्योंकि आइडिया जस्ट सुबह ही आया है। तो पारुल को भी अभी मालूम चलेगा कि मैं जा रहा हूं बैंकॉक, तो देखता हूं ये सब जान के पारुल का रिएक्शन कैसा होगा। रिएक्शन चाहे जैसा हो आपको मालूम है मजा बहुत आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, और अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर भी करना और सब्सक्राइब के बिना मत जाना। तो चलो प्रैंक वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑफिस जा रहे हैं, ये बैग लेके ऑफिस जाएंगे। ऑफिस बैग लेके जाता क्या इंसान? क्यों वहाँ पर रहने के लिए गया क्या? वो देख ले, नीचे रहोगे ऊपर ऑफिस जाओगे। ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से हम लोग का टूर जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बैंकॉक। क्यों, बताना जरूरी नहीं होता है बैंकॉक और लैंकॉक? बताते तो जा भी नहीं पाते, जाने देती जैसे। हाँ तो हम तो अभी भी जान देंगे। क्यों नहीं जाने दोगी? क्यों नहीं, क्या जाने दोगी? ऑफिस जाते हैं, टूर पे जा रहे हो? हम किए हैं, ये बॉस की तरफ से अप्रिशिएशन है, और इनफैक्ट उन लोगों ने पैकेज लिया है कंपनी वालों ने, तो उसी में जा रहे हैं सब लोग। अच्छा सुनो, एक काम करो, वो जो तुम्हारा वो, अरे यार वो शॉर्ट ड्रेसेस नहीं जींस वाले, हाँ तो? अरे जो पहन के वाटर पार्क में जाते तो? थे वो लेती है। क्यों पहन के जाओगे? हम पहनेंगे लेडीज ड्रेस, हम पहनेंगे, पागल हो क्या? ऑफिस में जो लड़की जा रही है ना, तो वो मतलब उसके घर बड़ा संस्कार, शॉर्ट ड्रेसेस अलाउ नहीं होता। लड़कियां भी जा रही है तो ऑफिस में लड़के काम करते नहीं जाएंगी? ऐसा है ना, ज्यादा बेवकूफ यहाँ मत बनाया करो, समझ में आ गई? तुम ड्रेस लाओ यार। कोई ड्रेस नहीं है मेरे पास, मगर जैसे मांगती थी प्रतिया कपड़े, उस पास नहीं ड्रेस क्या? नहीं तो मांगने दो, मैं नहीं दूंगी और ना आप जाएंगे कहीं, समझ में आ गए? छुट्टे बैठे आप घर पे, ऑफिस जा रहा है, टूर जा रहा है, यही नहीं पता चलता क्या क्या उसमें? तो वो अप्रिसिएशन है ना। मैं तो किसी का टूर नहीं देखा इतने दिन के लिए कपड़े लेके जाता हूँ। तो क्या जाते हो, सुबह जाएंगे और शाम को वहां से चना भेल पूड़ी खा के वापस आ जाएंगे क्या? तीन चार दिन का टूर तो रहेगा ना, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। अच्छा यार लड़ो मत यार फालतू, अभी अच्छा खासा मूड है, लेट हो जाएंगे अभी। आपका तो मूड वैसे बाहर जब जाते तो एकदम अच्छा हो जाता है बहुत, और लड़कियों के नाम पे तो और एकदम वो हो जाता है, समझ में आया? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अजीब हो यार तुम। हाँ हम अजीब ही है, और कुछ? तुम ड्रेस लिया नहीं जाएंगे और नहीं देंगे, बोल रहे जब सब जा रहे तो हम लोग भी जा सकते हैं। कौन? तो जा तो रहे हैं हम। तुम मैं कैसे जाओगे तुम? क्यों? अरे यार हम क्या बताएंगे वहाँ पे? क्यों ये कहते शर्म आएगी, बीबी है। हमको शर्म नहीं आती है, ऑफिस हाँ। में मालूम है सबको क्या, लेकिन ये जो स्पॉन्सर जो कंपनी कर रही है ना, वो सिर्फ बैचलर्स लोगों ले जा रही है। ओ आप बड़े बैचलर है, ये जा रहे हैं? हम नहीं है, ये हमको मालूम है, तुमको मालूम है, कंपनी को मालूम है, लेकिन हॉलीडे पैकेजेस वाले को थोड़ी मालूम है। क्यों तो आपके मंगलसूत्र बना के भेज दें, पता चल जाए। अरे क्यों जाना है, जा रहे मजे करने जाएंगे, मजे नहीं मतलब ऑफिस की लोकेशन बनाइए, ज्यादा बनिए मत, आप कहीं नहीं जाएंगे, नाटक मचा रहे हैं। तुम जाओ शॉर्ट ड्रेस लेकर अपनी, मेरे पास कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं है। तुम्हें क्या दिक्कत है यार, टाइम देर लो कितना हो रहा है, होने दो, जो हो रहा है। अभी ऑफिस जाना, ऑफिस में काम करना है, फिर निकलना है, रात की फ्लाइट है। चुपचाप रखो बैग, कोई कहीं नहीं आ रहा, ऑफिस जाना है जाओ, जाके सीधे घर आओ, कह देना सर मेरे यहाँ मैं नहीं जा पाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम ऑलरेडी हो गए, इसीलिए तुमको पता नहीं, तुम हर समय नाटक करते, हम मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती, पता नहीं क्या हो। हाँ बिल्कुल एकदम, क्योंकि आपकी खुशी एकदम छिछोरों वाली होती है। इसमें क्या चीज़, आदमी हॉलीडे पे नहीं जाता, कंपनी की तरफ से अगर कोई भेज रहा है तो जाएगा ना इंसान? ओ मैं तो पहली बार देखा है, मीटिंग टूर तो मैंने देखे, लेकिन हॉलीडे हुआ एकदम आपको वो भी है। अरे यार तो एक कंपनी आई है, वो अपना ऐसे टूर पैकेज दे रही है, बैंकॉक भेज रही है। क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, तुम समझना नहीं चाहती हो? समझ तो मैं समझते हो, क्यों जा रहे हैं इंसान, क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं ना, कंपनी की तरफ से भेजा जा रहा है। तो वहीं पर एक मिला था क्या, और कोई जगह नहीं मिली थी? ये हमारे हाथ में नहीं है, जो कंपनी ने ऑफर किया हम जा रहे हैं।
तो वही जगह देखी थी आपकी कंपनी ने, इतनी अच्छी। अब हमको क्या मालूम है यार क्या कंपनी ने देखी थी, क्या रखो यहाँ पे कपड़े मत रखो समझे, ज्यादा इतना वो होने जरूरत नहीं है। क्या पता कहाँ क्या पहले दिखाओ कहाँ से कौन सा कंपनी ने क्या भेजा है। क्या ऐसे सुनो पर्सनल टिकट नहीं भेजती है कंपनी, ठीक है हाँ। वो पूरा एक ग्रुप पैकेज होता है, वो ऑफिस जाएंगे वहीं से निकल जाएंगे। कितने लोग जा रहे हैं? तुम क्या बड़ी सी आईडी बनी फिर रही हो, कितने लोग जा रहे हैं? अरे पता नहीं करेंगे क्या कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने किसी से कहते ऑफिस का टूर जा रहा है कहीं भी जा रहे हैं। ग्रुप पैकेज है, सारे ऑफिस के जितने बैचलर बंदे बंदी है सभी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं ना। तो आप बैचलर में नहीं आते तो आप सब घर में बैठिए। अरे तो फिर वही बात, हमको मालूम है ना, फिर वही चीज बता रहे हैं, कंपनी को नहीं मालूम है तो फायदा उठा रहे हैं और क्या। ज्यादा फायदा उठाने की जरूरत नहीं है समझ में, वरना फायदा उठा सकते वहीं टंगे रह जाओगे, चुपचाप घर में बैठो कोई कहीं नहीं जाएगा। और मैंने ऑफिस में फोन करके बता दिया, तुम्हारे यहाँ से कुछ लेते आएंगे ठीक है। नहीं हमें नहीं चाहिए कुछ भी, चुपचाप घर में रहो। कितनी प्यारी जगह है ना, तुम ऐसे ऐसे फोटो खिंचाएंगे हम। और कोई जगह नहीं मिली थी जाने के लिए, जो फोटो खिंचाने और वहां जाने के लिए? ये एक जगह बड़ी अच्छी एकदम निकाल के दिए। अरे यार उसमें 10 चीजें, एक तो इतना टेंशन रहता ना, इतने दिमाग में टेंशन है, ऊपर से बैंकॉक ये भी है कि वहाँ पे मसाज वसाज बहुत अच्छा होता है, तो सर दर्द वर्द सारा मेरा खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले यहाँ मसाज करवा लो अपनी, उसके बाद आराम से बैंकॉक ही भेजेंगे। बैंकॉक का मसाज बहुत अच्छा होता है, बहुत बता रहे हैं, जो दर्द होगा ना 3-4 दिन का वो महीने भर भी नहीं निकलेगा वहाँ पे। ठीक, ज्यादा मुंह मत चलाओ, ये रखो बैग अपना यहाँ पर, कोई कहीं नहीं जा रहा है। पागल हो गए लोग क्या यार, उसमें मेरा वो रखा हुआ है सब टूट जाएगा, गधी हो क्या, मेरा कैमरा वो रखा हुआ उसी में। क्यों कैमरे का क्या करोगे, अब मीटिंग पे कैमरा भी वो चलेगा क्या? तो वहाँ पे अगर बीच में घूमने जाएंगे तो क्या पेपर कलम पे कैसे बैठ के लिखते रहेंगे क्या, वहाँ पे तो फोटो खिंचाएंगे ना हम लोग, ऐसे ग्रुप फोटो लेंगे स्विमिंग सूट में। जब जाओगे तब ऐसे और ऐसे फोटो खिंचाओगे ना। चुपचाप बैठ जाओ यहीं पे, कोई कहीं नहीं जाएगा, पागल हो गए लोग क्या, तुमको नहीं समझ मेरा पति तुम्हारा घूमने जा रहा है, जाके सब मम्मी को फोन करना, मम्मी मेरे पति विदेश गए घूमने। अरे एकदम बड़े विदेश गए हैं, कोई विदेश नहीं जाओ, यहीं बैठे रहो, समझ में आई? आज से पहले नहीं कैसी रोते जा रही है, सुनो बात सुनो यार, तुम गुस्सा क्यों होने लगती हो, बैठ पहले सुनो सुनो, इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, सुनो इससे हम लोग देखो ना लव कितना अच्छे से बढ़ जाएगा। तुम हमको फोन करना कैसे ना, मेरे पिया कहे रंगों, तो हम लोग ना ऐसे फोन पे बातें करेंगे जैसे फोन पे बात करने का, मैं फेस टू फेस में ज्यादा अच्छी हूँ ठीक, और चुपचाप घर में बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। जा रहा उसको जाने दो अपनी हॉलीडे, आप घर पे वो करें। अरे यार नहीं जाएंगे तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, सारे पैसे उसे की बुकिंग करा ली है। क्यों आप ही ने कराई है क्या अपने पास से, अभी तो कंपनी भेज रही थी, कंपनी पैकेज भी भेज दिया है वो हमने ना, बॉडी मसाज और ये सब बॉडी टू बॉडी मसाज ये सब कराया है ना, तो उसका पैसा तो चला जाएगा। कोई नहीं आपको यहाँ पर मसाज फ्री में मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, और ऐसी मिलेगी जो आराम से आप 2-3 हफ्ते आराम से बैठ के लेटे ही रहेंगे। जो दर्द हो रहा है ना यहाँ यहाँ सब निकल जाएगा ठीक, चुपचाप घर में बैठो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है यार। सबके मुझे सबके मुझे सुने बैंकॉक इतनी अच्छी जगह है, ये है वो है, वहाँ पे एकदम जाएंगे एकदम पानी में एकदम आराम से तैर के लेटे रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, कुछ दिन तक शांति रहेगी, ये शांति चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए बस थोड़ी सी चाहिए। मंदिर वाले कमरे में बैठ जाओ, वहाँ पर माला जपो तो उससे और शांति मिलेगी ठीक है, चुपचाप ही बैठे रहो, कोई कहीं नहीं जाएगा। आगे समझ अगर हम पैसा नहीं दिए होते ना वो थाई मसाज सेंटर में अपना मसाज कराने का, बॉडी टू बॉडी मसाज है मस्त पूरा। अभी 4 पैसे तो जेब में से निकलेंगे नहीं है ना, पैसे बुकिंग कराने के लिए बहुत पैसा है। अरे तो वो उसके अंदर पता नहीं अजीब सा मतलब शरीर में पूरा एकदम एनर्जी आ जाती है उसमें, कैसे अपना बॉडी ऐसे जैसे हम ऐसे अपना पूरा ऐसे लेट जाएंगे, ऊपर से फिर बॉडी से बॉडी मसाज करते हैं पूरा तेल लगा के, इसलिए जा रहे हैं। इंडिया में तो ऐसा कुछ हमको देख वहां पे जाके वहां पे देख लेते हैं करके क्या होता है, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ज्यादा एक्सपीरियंस मत करो, ये हड्डियां जो दिख रही है ना तो फिर इनका भी दर्द नहीं जाएगा महीनों भर तक ठीक, वहीं बैठ जाओ। Ha ha ha!
दोबारा मुझे बैग यहाँ दिखना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हम उधर कर लेंगे पैकिंग। कपड़े उठाओ कॉर्ड में रखो, हमें जाना है यार। पागल हो गई हो क्या तुम? इतना अकल समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ सब बोलेंगे अपनी बीवी से डरता है, बीवी से डरता है। हाँ तो कहने डरते हैं, ठीक बोल देना। कहो तो हम अभी फोन करके बोल दो ऑफिस में कि नहीं जा रहे हैं। कह दो मेरी तबीयत खराब होगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। उसी तबीयत को सही करने के लिए जा रहे हैं हम, तुम्हारे साथ जाते हैं। लेकिन वहां पे तुम जा, अगर खैर हम तुमको तुम्हारा टिकट अलग से करा दिया होते, लेकिन फिर वहां पे हम नहीं मतलब वो कर पाते यार, फ्रीली अपने मतलब टेंशन नहीं निकाल पाते, तुम समझो यार। अभी हम टेंशन ले ले, फिर एक समय बाद में जाना, ठीक? अभी लेट जाओ, चुपचाप नहीं कर, कोई ऑफिस नहीं, कोई कहीं नहीं, चुपचाप बैठो यहीं पर और रखो उसमें कवर्ड में उठा के सबको। पारुल हमको पहुंचना है टाइम से, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। ऑफिस में कह दो, मना कर दो, हम नहीं जा रहे। जब सब जा रहे हैं टूर पे तो आप घर पे रहिए, कोई टेंशन नहीं है। अरे घर पे क्या, क्या घर वाली क्या घर पे रहे यार? और उसका जो हमको देना है वो बोलिए कि अपनी बीवी का वो जो आप पेन मतलब वहाँ पे वो वाला शॉट आप ही से मांगते हैं। हम सामने से ऑफर किए ना, कि सबसे बड़े मगटे आप ही हो। अरे यार हम सामने से ऑफर किए ना, हम सोचे बेचारी कहाँ खरीदने जाएगी, चार दिन की बात है फिर वेस्ट हो जाएगा। तो हम बोले मेरी बीवी का ही पहन लेना। तुम बीवी इतनी फालतू नहीं है, ड्रेस देती फिरेगी, समझ आई? और चुपचाप बैठ जाओ घर में यहीं पर, अपने भी कपड़े रख दो, उठा के और बैग रखो कायरे जहाँ से उठाए, ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं है। सारे लड़के लड़कियाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं तो आप घर में बैठे, आप लड़कों में आते हैं। हाँ लड़कों में आते हैं। और नहीं तो क्या, लड़कों में आते हैं आप? हाँ चुपचाप बैठे उनके घर पे, या मैं दिल्ली नहीं गया, यहाँ पे सब वहाँ पे मस्ती करेंगे। हम लोग प्रॉमिस करते हैं तुम्हारे लिए वहां से कुछ ना कुछ पक्का ले आएंगे। मैं हमें नहीं चाहिए कुछ ना कुछ, यहीं लेटे चुपचाप, कोई कहीं आएगा मना कर दो, क्या मेरी तबियत ठीक नहीं, मैं नहीं आऊंगा। यार हम ऑफिस की लड़की के लिए बोल गए उसको कमिटमेंट किया, हम चल रहे हैं। ज्यादा कमिटमेंट करना आ रहा है, वही बोली सर 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 आप भी चलिए आप भी चलिए। हम उसको बोले कि हम मैरिड हैं हम कैसे चले, तो उसने ही आइडिया दिया कि आप ऐसा है कि हॉलीडे में अपना अनमैरिड लिख दो। जाना है जाओगे, जाओ मंगलसूत्र पहन जाओ और पहन जाओ पहन के, मंगलसूत्र को पहन दे नहीं, वहां जाके दिखाओ कि हाँ मैरिड है। मैरिड नहीं दिखाना है, नहीं तो दिखाओ ना जाके, तो अपने आप ही वापस कर दिए जाओगे। मना कर दिया, आप दोबारा मैं सुनू नहीं। वो जूनियर है बोल रही है बार बार, बोले सर चलिए आप। अब दोबारा बोले तो मुझे बता देना, ठीक? अब चुपचाप यहीं बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। फिर चल दिए, फिर चल, ज्यादा खुजली हो रही है आपको जाने की। अब क्या उठा के बैग नीचे फेंक देंगे? क्यों फेंक देंगे तुम यार, हद की हुई हो। इतना नहीं समझ में आ रहा, पैसे इंसान का, तुम्हें पति का पैसा लगा हुआ है उसमें सारा, बीच उच में जाना है, बीच उच के हम लोगों ने बुकिंग कराई प्राइवेट बीच में, आराम से ऐसे करके लेटेंगे पूरा हाफ पैंट पहन के, कितना रिलैक्स, ठंडा ठंडा हवा आएगा। नीचे चले जाओ पार्क में, बरसात का पानी बहुत भरा होगा, आराम से बीच बना के लेट जाना। जाओ तो मेरे ऑफिस के कलीग नहीं होंगे ना, सोसाइटी के लोग भेज दे बाहर। और जो अभी हम जिस लड़की के लिए लेके जा रहे हैं वो कहाँ से लेके आएंगे, वो तो वहां मजे कर रही होगी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ज्यादा उस लड़की का ख्वाब आ रहा है, ज्यादा निकल रहा अंदर से, ख्वाब नहीं आ रहा है, ख्वाब नहीं आ रहा है। उसे हमसे मांगा है तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है ना उसको शॉर्ट ड्रेसेस देने की। ज्यादा जिम्मेदारी आ रही है अपने अंदर, पहले घर की जिम्मेदारियां पूरी कर। हेल्प नहीं करे इंसान को क्या? अभी उस दिन तो बोल रहे थे लास्ट टाइम बाबू के बर्थडे पे अनाथ आश्रम में चल के कपड़े दान करते हैं, तो वो अनाथ है। जो भी है कपड़े तो हम दान कर रहे हैं ना। हाँ। पड़े होंगे सूट ले जाओ, पुराने वाले सूट नहीं चाहिए उसको, हाफ वाले चाहिए। मेरे पास ना हाफ है। बकवास मुझसे करूंगा, समझ में आ गई? ज्यादा अनाथ आश्रम में देने का सोच रहा तो उसे दिया जाके सूट रखे मेरे, हो गए। सूट नहीं चाहिए उसको, वो पहन के कहाँ बीच में बैठेगी? बैठ जाएगी क्यों? बीच में लोग कैसे बैठते हैं, लेडीज देखी नहीं हो क्या? जरूरी है हाफ कपड़े पहन के बीच में बैठो? वो बोल रही है, बोल रही है यहाँ पे हमको फ्रीडम नहीं है, मम्मी पापा ऐसा रहता तो वहाँ पे सर हम लोग ऐसे चलेंगे, तभी मेरा और मन करने लगा जाने के लिए। अपने मन को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो,
समझे, मेरा मन फिर बहुत कुछ करता है, ये मालूम है ना। ये लेटे रहोगे आराम से, फिर एक महीने तक का रेस्ट ले लोगे ऑफिस से। आराम से बैठो, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो मैं हमको समझ नहीं आता, अजीब पत्नी है, तुमको पति के उसमें खुशी नहीं होती है, पति घूमने जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं होती है, और खासकर आपको देख के तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसीलिए तुम थोड़े दिन के लिए जा रहे हो, थोड़ा रिलैक्स रहो तुम। अपनी बकवास बंद करो, कपड़े उठाओ, कवर्ड में रखो, समझ में आ गया? और बैग उठा के जहाँ से लाए वहीं रख दो। दोबारा मुझे कपड़े यहाँ दिख गए तो सीधे बालकनी से नीचे ही जाएंगे। मुझे फालतू का नाटक नहीं चाहिए जरा भी। बकवास करना मत। हम आ जाएंगे चार दिन में, ये चीज समझ में नहीं आ रही है हर समय। जब जाओगे तब तो चार दिन में आओगे, जब जा ही नहीं रहे तो चार या पांच दिन में कहां से आ जाओगे? ये नहीं समझ में आ रहा। टेंशन नहीं है ना, वो लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं ना, यहाँ भी हॉलीडे है ना, तो आराम से हम लोग भी चलेंगे हॉलीडे घूमने, ठीक? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हैं? वहाँ पे हो गई है सारा कुछ इंतजाम। कोई बात नहीं, सोच लेना, कहीं पैसा दे दिए थे, दान कर दिए थे, जैसे ड्रेस दान करने की सोच रहे हो ना, ऐसे सुन लो पैसा दान कर दिए थे। तुम बस मार रही हो, ये अपने पति का वो नहीं देख रही हो, देख इतना पड़ा है। वो कल वो वचन दे के आया है, हम नहीं जा रहे थे, तो उसने बोला कि सर प्लीज आपको चलना पड़ेगा, जब उसने से हाथ पकड़ा फिर मना नहीं कर पाए। तुम क्या गला पकड़ ले कि नहीं जाओ, गला पकड़ के बोल दे कि नहीं जाओ, उसने तो हाथ ही पकड़ा था खाली, मना कर दिया, नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। यार मेरी भी इच्छा ना कभी विदेश विदेश घूम ले, बाद में घूमना विदेश, ठीक? और कहीं जगह नहीं मिली थी जो विदेश और वहाँ घूमने जा रहे थे? विदेश ही घूमने जाते हैं, इसीलिए तुम्हारी सोच और उनकी सोच में अंतर है, देख रही हो? तुम हर समय यही मंदिर और ये और वो, वहाँ पे देखो वो कितना अच्छा प्लान किया, बीच होगा, हम लेटे रहेंगे, वाह, समुद्र की ठंडी हवा, वाह, सारे फ्रेंड्स और फ्रेंड इन। नीचे चले जाओ स्विमिंग पूल में, आराम से लेटे रहना यूं करके। स्विमिंग पूल में अकेले स्विमिंग करने का मजा है क्या? नहीं, सोसाइटी में सब लोग करते हैं, सब अपनी फैमिली को लेके नहीं टहरते ना, सब अकेले अकेले टहरते हैं, सबको देख लेना, अरे इतने सारे लोग हैं। हमको ना ऐसे इन लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आया, इन लोगों के साथ तैरने में मच के साथ तैरोगे जाके या मछलियों में जाके तैरोगे? बैंकॉक में ना सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं समुद्र में, इसीलिए जाना सोच रहे हो बैंकॉक? और हम इसलिए नहीं, हमें बता रहे हैं। नहीं हमें मत बताओ, नहीं समझ में आ गई, मना कर दिया, बकवास नहीं चाहिए मुझे जरा भी। दोबारा मुझे कपड़े रख के ना दिख नहीं जाए, हटो हमको जाना है बस। ज्यादा मन कर रहा है कपड़े वो करने का, अभी सारे कपड़े नीचे उठा के फेंक देंगे। वैसे भी ये कपड़े तो ऐसे ले जा रहे हैं, वहां पे तुम लोग शॉर्ट ड्रेसेस पहनने वाले हैं, तो ठीक है शॉर्ट ड्रेस पहन जाना है ना, जाना है वो कपड़े रखने हैं, रखिए चलिए रखिए रख कपड़े, लेकिन ये उतार के जाइए, समझ में आया? इसमें से कपड़े बिल्कुल एक भी शर्ट ऑफ नहीं जाएगी, बस हाफ में जाइए आप, ऑफिस भी हाफ में ही जाएंगे। क्या हाफ में जाएंगे? चड्डी बनियान में जाओ ऑफिस। भगवान, फिर वहां से वहां निकल जाना। पागल हो लो क्या, कुछ भी बोलती रहती हो। क्यों अभी तो बोले इतना पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे कौन, हम तो ऐसे ले जा रहे हैं, तो ऑफिस भी क्यों पहन के जा रहे हैं? आराम से तैयार, यहीं से होके जाओ ना तैयार। पागल हो गए, हम पागल मुझे। तो दोस्तों मेरा तो टूर पारुल ने कैंसिल करा दिया है, लेकिन देखते हैं पारुल के साथ मिजाज क्या है। और दोस्तों पारुल का पक्का मुझे नहीं जाना है? नहीं, तो उनको मुझे वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना पड़ेगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे ऑफिस में। हाँ तो बोलो, हम तो जाने को रेडी है, तुम ही मना कर रही हो, बोल दो वीडियो पे। हाँ सर ये नहीं जाएंगे कहीं भी, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। सीरियसली नहीं जाए? नहीं, मना कर दिया। अरे यार जाने देना प्लीज, ज्यादा मन हो रहा है। सर क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे सर, बोल दिया ना सर। वैसे तुमको भी एक बात हम बताएं, सारा कुछ प्रैंक छूट गया। तो फालतू में यार लफा पड़ गया यार, चलो कोई बात नहीं। आप तो ये बताओ कि आज का आपको ये प्रैंक वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।